हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्यामास रेसिपीज। आज मैं आप सबके साथ नारियल से बनी एक बहुत ही यम्मी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का नारियल लेके इसके ब्राउन पार्ट को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया है और फिर इसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि इसका पेस्ट बनाने में मुझे आसानी हो। और यहाँ पे मैं 120 ग्राम के करीब ले रही हूँ चीनी। इन दोनों को साथ में मैं एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट बनाते वक्त पानी का ऐड बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे पेस्ट बनाते वक्त थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। नॉर्मली जब हम नारियल की मिठाई को कुछ दिनों के लिए फ्रिज में रख के खाते हैं तो वो बहुत ही हार्ड बन जाता है, ड्राई बन जाता है। बट अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो फ्रिज में कुछ दिनों के लिए रखने के बाद भी ये मिठाई जो है ड्राई या तो हार्ड नहीं बनेगी। इसके बाद मैंने इस पेस्ट में 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर मिक्स कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। मिक्स कर लिया है मैंने और अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन को पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया है और अब फ्लेम को बिल्कुल लो रख के यहाँ पे 1/2 टीस्पून घी ऐड कर दिया है। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आप नॉर्मल कढ़ाई में भी कर सकते हैं, बट नॉनस्टिक पैन में करने से थोड़ी आसानी हो जाती है। घी को अच्छे से स्प्रेड कर दिया पूरे पैन में और फिर यहाँ पे छोटी इलायची के कुछ दाने ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो छोटी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं बाद में इन दानों को अलग कर लूँगी मिठाई से, इसलिए दाने ऐड कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे नारियल, दूध, चीनी और मिल्क पाउडर का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखिए पूरे प्रोसेस में। और इसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा चला के हमें कुक कर लेना है जब तक ये पेस्ट एकदम डो फॉर्म ना कर ले। दो से तीन मिनट बाद देखिए ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है, चीनी अपना पानी छोड़ने लगा है और ये धीरे धीरे ये पानी जो है सूखने लगेगा और एक डो फॉर्म करने लगेगा। तो इसे लगातार चलाते जाऊंगी और फ्लेम को लो रखूंगी और 5 से 6 मिनट बाद ये थोड़ा सा थिक होने लगा है। देखिए मैं आपको और 6 से 7 मिनट बाद दिखा रही हूं, मिक्सचर जो है ड्राई हो चुका है बहुत। और यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेके ऐसे मैं इसे एक बॉल जैसा बना रही हूँ। देखिए बॉल अच्छे से बन रहा है, मतलब और 2 मिनट बाद ही ये मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में मुझे 15 से 16 मिनट लग गए थे। दूसरी तरफ मैंने एक प्लेट को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया था और फिर मिक्सचर को इसमें स्प्रेड कर दिया है और अब स्पैचुला से इसे थोड़ा थोड़ा सेट कर लूँगी। क्योंकि ये गर्म है तो अभी अच्छे से सेट हो जाएगा, इसलिए इससे ये ठंडा भी होगा और सेट भी हो जाएगा। इसे फ्रिज में नहीं रखना है, आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही ठंडा करना है। देखिए इसे मैंने ऐसे स्क्वायर शेप में कर लिया है और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसे मैं ऐसे काट लूँगी। अगर आप इसे इस वक्त फ्रिज में ठंडा करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड बन जाएगा, इसलिए इसे नॉर्मल कहीं भी किचन काउंटर में ठंडा कर लीजिए। और इसके बाद इसे आप अपने पसंदीदा कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसे बर्फी का भी शेप दे सकते हैं। और मैं इसे किशमिश के टुकड़े के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो बादाम, पिस्ता इसके साथ भी गार्निश कर सकते हैं। देखिए मैं आपको हाथ में लेके दिखा रही हूँ ये मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है। मैंने इसे 2 दिन रेफ्रिजरेटर में रख के कंज्यूम किया था बट ये एकदम सॉफ्ट ही था, बिल्कुल भी ड्राई और हार्ड नहीं हो गया था। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके
एक बार ये नारियल की मिठाई ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, और अपने फीडबैक्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ टेक केयर।